नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा, योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की कही बात। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाले ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के जनरेटर बोगी में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जितिया पर्व को लेकर नदी में स्नान करने गए किशोर की डूबकर हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। जिले में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त, एसएसपी ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। और लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 7 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। भागलपुर नगर निगम सभागार में शनिवार को नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी ली और योजनाओं को अविलंब धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के 6 योजनाओं को लेकर 900 करोड़ की योजना का करार पटना स्मार्ट सिटी से हुआ है, जिसका DPR तैयार किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना का कार्य देख रही SPB कंपनी के कर्मियों से अन्य कार्यों की जानकारी ली। वहीं नगर विधायक अजित शर्मा ने नगर निगम की कार्यशैली से मंत्री को अवगत कराया, जबकि जलापूर्ति योजना और घर घर कचरा संग्रहण को लेकर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने मंत्री से अभियान चलाने की बात कही। बैठक के बाद मंत्री ने निगम परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मेयर सीमा शाह, नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, स्मार्ट सिटी के कर्मी एवं निगम कर्मी मौजूद थे। तभी इतना हमको करना पड़ा है, बहुत लोगों को बदलना पड़ा है। और आप जानते हैं कि कहां पर अवरुद्ध हो रहा था मामला, टॉप से लेवल तक जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो इसका कारण था। और अब वो चलेगा काम। गेहूँ का जो दवा है वो 10 लीटर दवा मैडम के पास पहुंच रहा है और आज से छिड़काव मैडम वो छिड़काव आज से शुरू करवा देंगे। सब लोग पॉजिटिव रूप से, नगर निगम की मेयर, डिप्टी मेयर, सब लोग पॉजिटिव रूप से एकजुट होकर के इस काम को करेगा। इसलिए स्मार्ट सिटी में अब परेशानी दूर हो गई, भागलपुर का काम आपको दिखेगा। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल के जनरेटर भान के बोगी में शनिवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बोगी धू धू कर जलने लगा। इस दौरान रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। घटना के बाद भागलपुर पटना रूट में रेलवे परिचालन कई घंटों तक बाधित रहा। दरअसल गुवाहाटी से चलकर दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही जमालपुर से खुली, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हालांकि आग लगते ही रेलवे कर्मियों ने वाले डब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जितिया पर्व को लेकर दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने गए 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी संतोष मंडल के पुत्र प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह मृतक प्रशांत अपने गाँव के ही 3 दोस्तों के साथ स्नान करने चानन नदी गया था। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद उसके दोस्त ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी गाँव के ही कुछ लोगों ने प्रशांत को नदी से बाहर निकाला, लेकिन प्रशांत की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। पूरे गांव में घटना से मायूसी छा गई। मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बच्चा चोर का आरोप लगाकर किसी व्यक्ति की पिटाई करना आप लोगों को महंगा पड़ेगा। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटना को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाए। भीड़ तंत्र द्वारा बेगुनाह लोगों की बेरहमी से पिटाई करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए भागलपुर पुलिस जागरूकता अभियान भी चला रही है। साथ ही DGP के आदेश को देखते हुए सभी थाना अध्यक्षों को मोहल्लों में बैठक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं SSP आशीष भारती ने कहा कि भीड़ तंत्र द्वारा किसी की हत्या करना या हिंसा फैलाना गंभीर अपराध है। SSP ने कानून तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। SSP आशीष भारती ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को दे। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ तंत्र द्वारा हत्या या हिंसा, यह एक बेहद ही गंभीर अपराध है और भागलपुर पुलिस इसको काफ़ी गंभीरता से लेती है। भागलपुर पुलिस के द्वारा इस संबंध में एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यह अपील करूंगा कि इस तरीके की घटना
मैं शामिल नहीं हूं, और अगर आपको जानकारी मिलती है, अगर आपके आसपास इस तरह की घटना कहीं पे हो रही हो, तो उसके रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं, पुलिस को तुरंत सूचना दें, और साथ ही साथ आम लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें। हम सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि जो भी अगर कोई भी आरोपी है, अगर किसी घटना को करने में वो शामिल भी रहा है, तो उसको जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके तहत उसको सज़ा दिलाई जाए, और कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बांका पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 7 को कियात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बांका SP अरविंद गुप्ता के निर्देश पर गठित SIT की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजवारा थाना क्षेत्र के बिक्रमपुर मोड़ के समीप किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जुटे 7 अपराधी को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इस्माइलपुर निवासी चंदन यादव, गोपालपुर निवासी गुड्डू यादव, मिर्जापुर निवासी धर्मेंद्र कुमार, साधुपुर निवासी प्रदीप यादव, जानी डी निवासी छोटू कुमार, कन्हैया कुमार और मोनू कुमार के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों में कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं छापेमारी टीम का नेतृत्व बाराहाट थाना अध्यक्ष परीक्षित पासवान और पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह ने किया। पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाने वाला जितिया पर्व शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। पर्व को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। महिलाओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना भगवान से की। वहीं पर्व को लेकर महिला श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सुबह के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित निगम कर्मियों ने गंगा घाट की सफाई की और गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया। इस दौरान मंत्री ने सभी लोगों से गंगा की स्वच्छता को लेकर दूषित पदार्थ को गंगा में नहीं डालने की अपील की। वहीं स्वच्छता अभियान के दौरान गंगा की सुरक्षा और देश की रक्षा के नारे लगाए। ये बताना चाह रहा हूँ कि गंगा को बचाना एक माहौल मजाक न हो, एक रियलिटी भी बचाना है, तो हम लोगों को 100% अपना एफर्ट लगाना होगा। नहीं तो बात वही कि चटक रही खपड़ेल बादरा पानी, देश जालिम है टूबेल बादरा पानी, ऐसा नहीं होगा। जाह्नवी की तपस्या, जाह्नवी जी ने तपस्या किया था, उस तपस्या को पूरा हम लोगों को, एक तपस्या हम लोगों करनी पड़ेगी, इस अंग भूमि को, कर्ण भूमि के सारे नर नारी करना होगा। ये गंगा में नित्य हम देख रहे हैं पोलिथीन, प्लास्टिक या साबुन, इतने चीजों को हम लोग रोक देते हैं।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की सुबह जगदीशपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया। दरअसल थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी को झारखंड से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नवादा मोड़ के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान पुलिस ने हरियाणा और वेस्ट बंगाल नंबर की कार से 5 बोरियों में बंद 615 पाउच देसी शराब और 7 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। वहीं गाड़ी चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बिहार सरकार परिवहन विभाग के निर्देश पर भागलपुर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटरयान निरीक्षक विनय शंकर तिवारी ने वाहन चालकों को नियम परिनियम का पाठ पढ़ाया और परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी दी। वहीं MBI ने बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाए जाने पर कई युवा MBI विनय शंकर तिवारी से उलझ गए और बहस करने लगे। जब तो ऐसा भी नहीं, हम कल भी न्यूज देते हैं, चाबी नहीं लिया जाता, गाड़ी छोड़ दिया जाता है, स्टूडेंट लोग को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं। इन्होंने अभी दावा किया, भाई आप ही जान लीजिए, ये जल्दी ही भागलपुर के DM बनने आ रहे हैं डायरेक्ट, और ये पूरे भागलपुर को सुधार देंगे। इनका दावा हम लोग के सामने इन्होंने बोला, तो इनको थोड़ा विशेष कवरेज दीजिए। नाम क्या हुआ, नाम बता। मैं जिला का MBI, मेरा नाम DS तिवारी है। वहीं मोटर यान निरीक्षक ने कहा कि 3 गाड़ी को जब्त करते हुए आधा दर्जन से अधिक वाहन चालक से जुर्माने की राशि वसूल की गई है। परसेंटेज लोगों में बड़ा हेलमेट पहनने वालों का, लेकिन आज हमने देखा कुछ वायलेशन ज़्यादा हो रहा। कल तक ये 82% था, आज हमको लगता है 70% पे आ गया। इसलिए अभियान की आवश्यकता भी हम महसूस कर रहे हैं, और इस अभियान को सब लोग पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं। पता नहीं किस स्तर से ग्रामीण किया जा रहा, कुछ ये जो आया हेलमेट बच्चों को नहीं चेक करना है, इस तरह की बात आपने भी सुना। तो ऐसा कहीं है कि हेलमेट पहनने का अभियान पर जांच का जो नियमित अभियान था वो रोका गया है। सांस्कृतिक संस्था म्यूजिका इवेंट की ओर से रविवार को भागलपुर के भिकनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित सिल्क टीवी कार्यालय में वॉइस किंग प्रतियोगिता का ऑडिशन लिया जाएगा। संस्था के सदस्य मलय विपुल एवं सहवाज खान ने बताया कि ट्रैक सिंगिंग पर आधारित प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को मंच देना है। वहीं विजेता प्रतिभागी का म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किया जाएगा और बड़े कलाकारों के साथ स्टेज शो में शामिल किया जाएगा। प्रतिभागी सिल्क टीवी के कार्यालय में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में जज की भूमिका में सब टीवी के रियलिटी शो फेम एक्स के आलोक चौबे होंगे। हम लोग ऐसे कलाकारों को एक मंच दे रहे हैं वॉइस किंग के लिए, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं अपने गायकी के क्षेत्र में, और भागलपुर शहर और इसके मतलब पूरा बिहार से फॉर्म भराया गया है, जिसमें 100 से अधिक फॉर्म आ चुका है, और कल हम लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, जो कि सिल्क टीवी के ऑफिस में मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद ऑडिशन दिया जाएगा, इसमें म्यूजिक एल्बम दिया जाएगा। 2 फरवरी तक हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि किसी अच्छे बैनर के साथ हम लोग टाइप करके कर रहे हैं। आप इसमें आइए और हमारे फेसबुक पे सारी जानकारी मिल सकती है, और सिल्क टीवी आपके फेसबुक पेज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। शनिवार को भागलपुर के नाथनगर स्थित रामनंदी देवी हिंदू अनाथालय में अनाथ बच्चों के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस दौरान अर्जित शाश्वत चौबे की ओर से बच्चों के बीच पुस्तक, फल एवं समरसता भोज का आयोजन किया। साथ ही अनाथालय परिसर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण किया। इस मौके पर सुनील बुधिया, अरुण सिन्हा, कुंदन कुमार, सज्जन अवस्थी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा भाव से हम लोगों ने सेवा सप्ताह मनाया, जिसका आज आखिरी दिन था, और पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ये हम लोगों का विषय रहा है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश और विदेश में घूम करके कैसे पूरे विश्व का कल्याण हो, उसके लिए पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ नाथनगर में अनाथालय में आकर के आज वृक्षारोपण किया है। 5 प्रकार के फलदार वृक्षों का हम लोगों ने रोपने का काम किया है। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला में करंट की चपेट में आने से 42 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल सनहौला प्रखंड के श्रीचक निवासी डोमन शर्मा शनिवार की सुबह पटवन करने खेत गया। इस दौरान करंट प्रवाहित मोटर चलाने के लिए जैसे ही स्विच ऑन किया, उसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए खेत में नंगे बिजली का तार इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण यह घटना हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सनौला थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए तीन लोगों को छोड़ने की मांग को लेकर परंपरागत हथियारों से लैस सैकड़ों महिला पुरुष वनवासियों ने कटोरिया थाना का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। खैरा लॉक मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारी वनवासियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि SDPO मदन कुमार आनंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। साथ ही हिरासत में लिए गए तीनों को PR वांड पर थाने से छोड़ दिया। दरअसल कटोरिया के इनारावरण स्कूल में कंप्यूटर चोरी की घटना की जाँच करने गई पुलिस ने गाँव के ही तीन लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई से आक्रोशित वनवासियों ने थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा से होता रहा है। आज के चिकित्सा शोधों ने यह साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से मानव जाति के लिए वरदान है। इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर के साहेबगंज में राजाधिराज योग सेंटर की स्थापना की गई है। योग सेंटर में निदेशक ब्रजेश देव के मार्गदर्शन में योग शिक्षिका तमन्ना नजीर और नेहा कुमारी प्रत्येक रविवार को गरीब बच्चों को निःशुल्क योगाभ्यास कराती है। समय समय पर सेंटर में देश के प्रसिद्ध आचार्य भी योग का प्रशिक्षण देते हैं। वहीं बच्चों को देव कंप्यूटर सेंटर में निःशुल्क कंप्यूटर ज्ञान दिया जाता है, जिसमें शिक्षक अभिषेक कुमार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा की अलग जगाते हैं। निदेशक ब्रजेश देव ने कहा कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। योगा इज स्किलफुल एक्शन टू काम डाउन द माइंड। तो योगा क्या है कि बच्चों योगा सर्वांगीण आदमी का सर्वांगीण विकास करता है। तो निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं, जो निर्धन लोग हैं, वो सभी लोग योग कर करके उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए मैंने योगा सेंटर का स्थापना किया है। और हमारे यहाँ लगभग 150 से 200 बच्चे प्रत्येक रविवार को निःशुल्क में योग प्रशिक्षण लेते हैं और उसमें ग्रामीण भी रहते हैं। बांका अमरपुर के प्रतिबंधित घाटों से बालू के अवैध उठाव को लेकर ASP ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने बालू लदा 9 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ट्रैक्टर चालक की पहचान सजौर दरियापुर निवासी दीपक यादव के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने कहा कि पकड़े गए सभी वाहन के मालिक पर खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा, योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की कही बात। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाले ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के जनरेटर बोगी में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जितिया पर्व को लेकर नदी में स्नान करने गए किशोर की डूबकर हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। जिले में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त, SSP ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। और लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 7 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।